नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ पर जताया हरियाणा का दावा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ पर हरियाणा का दावा करते हुए कहा कि पंजाब नया चंडीगढ़ बसा रहा है और पंजाब को नया चंडीगढ़ को ही अपनी राजधानी बना लेना चाहिए, वह चंडीगढ़ को हरियाणा के लिए छोड़ देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह बात मंगलवार को चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान ड्राई सिटी अर्थात पंचकुला चंडीगढ़ SASA नगर मोहाली की योजनागत ढांचागत विकास को लेकर के बुलाई गई पैनल चर्चा में कही। इस मौके पर चंडीगढ़ के प्रशासक BP बदनौर, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और हरियाणा सुशासन सुधार प्राधिकरण के पूर्व चेयरमैन एवं सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत प्रोफेसर प्रमोद कुमार ने ड्राई सिटी योजनागत ढांचा विकास तथा अन्य मुद्दों पर समाधान के संबंध में अपने अपने विचार रखे। आपको बता दें कि मंगलवार को चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान ड्राई सिटी अर्थात पंचकुला चंडीगढ़ और मोहाली के योजनागत ढांचागत विकास को लेकर के बुलाई गई पैनल में चर्चा के अंदर मुख्यमंत्री ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह मंच ड्राई सिटी के योजनागत विकास की चर्चा के लिए बुलाया गया था, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा ड्राई सिटी के विकास मुद्दे पर चर्चा न शुरू करके चंडीगढ़ के विषय पर अपनी बात रखी गई, जिस पर उन्होंने कहा कि इस पर उन्हें अपना जवाब देना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हरियाणा का दावा करते हुए कहा कि पंजाब नया चंडीगढ़ बसा रहा है और पंजाब को नया चंडीगढ़ को अपनी राजधानी बना लेना चाहिए तथा चंडीगढ़ को हरियाणा के लिए छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा योजनागत ढांचागत विकास के लिए हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ को आपसी सहयोग व समन्वय के साथ काम करना होगा। इसके लिए हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ प्रशासन व शासन को मिलकर के एक ऐसा तंत्र बनाना होगा जिससे चंडीगढ़ के साथ लगते पंचकुला व मोहाली में एक योजनागत ढांचागत विकास किया जा सके। आप देख रहे हैं चंडीगढ़ से पल पल की यह खास रिपोर्ट। वास्तव में आज का विषय तो था ट्राई सिटी, और ट्राई सिटी में चंडीगढ़, मोहाली एवं पंचकुला, और उसको कैसे ईज किया जाए। लेकिन प्रस्ताव जो रट गया है कैप्टन साहब, वो अपने पानी का प्रस्ताव रट गया, उन्होंने पानी का प्रस्ताव भी छोड़ दिया और शीर्षक लगा के छोड़ दिया। मेरा कहना है कि इश्यूज अलग अलग हैं। एक इशू है कि ट्राई सिटी, अब जो कि एक यूनिक एक सिस्टम बना है, बहुत पहले बना है 1996 में, जब पंजाब हरियाणा का पार्टीशन होकर के अलग अलग स्टेट्स आए तो एक कॉमन कैपिटल का एक फॉर्मेशन हुआ। अच्छा था उस समय कोई निर्णय हो जाता अलग अलग कैपिटल का तो बहुत ही अच्छा होता, हमको आज इस पीढ़ी को इन सारे विषयों को न सुनना पड़ता। और बल्कि ये मॉडल विकसित तो हो गया है, 60-40 का हुआ, कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद अलग से एडमिनिस्ट्रेटर और कैपिटल दोनों की एक ही सिटी में। दीज आर द टू स्टेट्स ओनली इन द वर्ल्ड जिसे कहा कि विच डोंट हैव देयर कैपिटल इन देयर ओन रीजन, हम अपने टेरिटरी से बाहर एक उसमें बैठे हैं। आज ये विषय ऐसा है कि इसको डिसाइड करने में मैं ये तो अपेक्षा कर सकता हूँ कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हम छोटे भाई के नाते अब ये नए चंडीगढ़ के जैसे फॉर्मेशन कर रहे हैं और बहुत सारा विकसित हो गया, विकास इनका हुआ है, तो नए चंडीगढ़ को ये कैपिटल बना लें, आज की जो कैपिटल है इसको हमको दे दें तो निर्णय अभी इसी में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम निर्णय कर सकते हैं। रहा विषय पानी का, अभी पानी का विषय भी सेंट्रल वाटर कमीशन इसमें आया, डिफरेंट स्टेट्स, दोनों स्टेट्स का, बल्कि इसमें कहीं कहीं बीच में राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल और इनके सबके जितने भी इश्यूज थे वो सबको एक सॉर्ट आउट कर लिया गया था। सॉर्ट आउट करने के बाद राजीव लोंगोवाल का समझौता हुआ, समझौते में भी शेयर्स तय हो गए। शेयर्स तय होने के बाद फिर बाद में इश्यूज को जब हम उठाते हैं कि हमारे यहाँ पानी कम है, हमारे यहाँ कम है, ये दोनों बातें अपने अपने स्टेट के हित में दोनों शायद करेंगे, उनका कहना कि हमारे यहाँ कम है, हमारे कहना हमारे यहाँ कम है, लेकिन एक समय की मांग है कि समय की मांग के हिसाब से जहाँ आवश्यकता ज़्यादा है। आज हमारे यहाँ हरियाणा में पानी तो पीने का भी संकट बना हुआ है, पंजाब में संकट बाढ़ का बना हुआ है, हमारे यहाँ पीने का संकट पानी बना हुआ है। आज भी अगर सारा सर्वे करा लें, इन उनका कुछ इलाकों में 1250 पानी